शिक्षक बहाली में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रारंभिक के साथ साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों की बहाली भी होनी है, यानी कि जो SC/ET अभ्यर्थी हैं 2019 के मेरिट नॉट इन मेरिट यानी कि सभी ऑल क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो एलिजिबल हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। वैसे तो ये बैठक जो है 12 जून को ही हो गई थी, आपको याद दिला दें कि शिक्षा विभाग की जो बैठक है 12 जून को पूरी हुई थी, जिसमें शिक्षा मंत्री के साथ साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह एवं जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं रवि प्रकाश और सभी जिलों के जो DEO DPO हैं सबसे मिलकर जो है काफ़ी सारे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। लेकिन उसमें जो लेटर निकल कर आया है, यानी कि जो पूरी बैठक का जो निचोड़ है, जो फाइनल उसमें कंक्लूजन हुआ, उसका देखिए लेटर जारी हुआ और उसमें देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं विद्यार्थियों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी। लेकिन जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों के लिए मुख्य पॉइंट है उस पर हम चलेंगे, जो आप लोगों के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल भी होगा और सभी अभ्यर्थियों की बहाली सुनिश्चित हो पाएगी इससे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस पेज में, पेज नंबर 5 में लेटर में क्या कुछ लिखा गया है। फिफ्थ पॉइंट पे यदि आप नज़र डालेंगे तो देखिए हेडिंग ही यहाँ पर लिखी है कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित बिंदु। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सारी ही चीज़ें जो है माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जो है चीज़ें लिखी गई हैं कि छठे चरण के नियोजन प्रक्रिया की समीक्षा की गई है और समीक्षा के उपरांत निर्देश दिया गया कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का निर्धारण समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाए। तो इसीलिए आपने देखा था कि 30 जुलाई का जो लेटर निकाला गया था छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए, तो ये कार्रवाई जुलाई में पूरी करने के बाद देखिए आगे जो ख पॉइंट है इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपके काम का है। ये यहाँ पर लिखा कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रस्तावित 7वें चरण की प्रक्रिया की समीक्षा की गई और समीक्षा के उपरांत निर्देश दिया गया कि नियोजन के 7वें चरण के लिए दिनांक 31/12/2022 यानी 31 दिसंबर 2022 तक जो शिक्षक सेवानिवृत्त होने वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उनकी सूची अलग से 15 दिनों में तैयार कर रिक्ति की गणना कर ली जाए। तो देखिए ये गुड न्यूज़ है, काफ़ी बड़ी खबर आप कह सकते हैं, क्योंकि SC/ET अभ्यर्थी बहुत परेशान भी हैं, क्योंकि सभी अभ्यर्थी जो हैं 80,000 अभ्यर्थी बहाली लेना चाहते हैं और सीटों की संख्या आप लोग जानते हैं कि उतनी नहीं है। तो ये जो अगर सीटें आती हैं जो टीचर्स रिटायर हो रहे हैं 31 दिसंबर तक, तो ये काफ़ी सीटों की संख्या में इजाफा होगा, खासकर सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों को इससे राहत मिलेगी। तो यहाँ लिखा है कि रिक्ति की गणना 15 दिनों के अंदर कर ली जाए ताकि उन रिक्तियों को भी 7वें चरण के नियोजन में शामिल किया जा सके। तो ये देखिए एक तरह से आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अभी तक कोई बड़ी अपडेट नहीं आ रही थी, वो काफ़ी निराश थे कि केवल प्रारंभिक के बारे में सरकार विचार कर रही है, तो देखिए ऐसा नहीं है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए भी ये निर्णय जो है लिया गया है। अब देखेंगे कि 31 दिसंबर तक जो टीचर्स रिटायर होंगे, सेवानिवृत्त होने वाले हैं या फिर जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया किसी कारण से, तो उन सबकी सूची जो है 15 दिनों के अंदर सामने आएगी, तो पता चलेगा कि कितने पद जो है रिक्त है और कितने पदों की संख्या जो है बढ़ने वाली है। तो ये एक आम प्रोसीजर है कि भाई रिक्तियों की संख्या मांगी जाती है जब कोई टीचर रिटायर होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली जो है यहाँ क्लियर किया गया है कि 7वें चरण की बहाली के लिए इनको पदों की जो गणना है वह करनी है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, इसके लिए जो है शिक्षा विभाग को हमें थैंक्स भी बोलना चाहिए जो SC/ET अभ्यर्थी है। फिलहाल अभी के लिए यही अपडेट थी 7वें चरण की बहाली की, आगे कोई भी अपडेट आती